गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा आज आपके सामने स्पेश हूँ लेकर साइंस क्वेश्चन आवर पार्ट 6। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्यों चमकता है? सेकंड, पेट्रोल की बदबू हमें अच्छी क्यों लगती है? थर्ड, लोग गोरे और काले क्यों होते हैं? फोर्थ, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? फिफ्थ, सिर्फ मादा मच्छर ही क्यों काटती है? हीरा क्यों चमकता है? हीरा जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, बहुत ही चमकदार होता है, जानते हैं क्यों? दरअसल हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.47 होता है और इस प्रकार काट के बनाया जाता है कि जब इसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण प्रकाश से बाहर नहीं निकल पाता और यह अंधेरे में भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेट्रोल की बदबू हमें अच्छी क्यों लगती है? पेट्रोल जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती। दरअसल इसमें बेंजीन नामक एक हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है जिससे कि इंजन की क्षमता को बढ़ाया जा सके, पर यह बेंजीन की प्राकृतिक खुशबू जो हमारी नाक के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है और रूम टेम्परेचर पे ये वाष्पित होने पर इसकी स्मेल आने लगती है। हालांकि ये स्मेल कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, परंतु ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, लोग गोरे और काले क्यों होते हैं? आपने अक्सर टीवी पर फिल्मों में देखा होगा, यूरोपीय देशों के लोग ज़्यादातर गोरे, अफ्रीका के काले और भारतीय लोग गेहूँ रंग के होते हैं। वैज्ञानिकों के मतानुसार मानव जाति के रंग 6 प्रकार के होते हैं। गोरे लोग जिनको धूप में सबसे अधिक जलन होती है और काले लोग जिनको धूप में कोई जलन नहीं होती और बाकी इनकी बीच की श्रेणी में आते हैं। त्वचा को रंग हमारी त्वचा में उपस्थित मेलानिन नामक एक पिगमेंट की वजह से होता है। अगर ये अधिक होता है तो इंसान काले होते हैं और अगर ये कम होता है तो इंसान गोरे होते हैं। सूर्य से निकलने वाली यूवी रेडिएशंस यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इनके उत्पादन में काफी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? प्याज खाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन काटने को कहो तो लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं। जानते हैं प्याज काटते वक्त ऐसी कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे आंसू निकल जाते हैं? दरअसल प्याज में एमिनो एसिड सल्फोक्साइड होता है और जब हम इस प्याज को काटते हैं तो लाखों सेल्स कट जाती हैं जिसमें अमीनो एसिड सल्फोक्साइड और कुछ एंजाइम साथ में निकलते हैं। फिर ये आपस में मिलकर एक केमिकल निकालते हैं जिसका नाम सिन प्रोपेन इथाइल एस ऑक्साइड होता है। ये केमिकल बहुत जल्दी वाष्पित होकर गैस बना लेता है और फिर ये गैस हमारी आंखों में डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और हमारी आंखों में जलन होने लगती है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिर्फ मादा मच्छर ही क्यों काटती है? दोस्तों, क्या आपको पता था कि हमें काटने वाले मतलब हमारा खून चूसने वाले ये मच्छर वास्तविकता में केवल मादा मच्छर ही होती हैं? पर ये ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल मादा मच्छरों का खून अपने अंडों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि रक्त में प्रोटीन और अमीनो एसिड होता है जो अंडों के लिए सप्लीमेंट का काम करता है और उनकी ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। जबकि नर मच्छर तो सिर्फ फूलों का रस पीकर ही जीवित रह सकते हैं, इसलिए उन्हें इंसानों का खून पीने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, घंटा बजाना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।